अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम अपनी इस वीडियो में एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये एंटीबॉडीज़ किस तरह की होती हैं और ये किस तरह वर्क करती हैं। साथ ही साथ हम COVID-19 वैक्सीन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ये जानकारी मैंने बुक्स और कुछ वीडियो के लेक्चरों से ली है, जिसको मैं अपनी आसान भाषा में और कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि इसमें कई तरह के बैक्टीरिया वायरस मौजूद हो चुके हैं, लेकिन हमारे शरीर के मजबूत प्रतिरक्षक तंत्रों की वजह से हम लोग काफ़ी बीमारियों को बिना दवा के ही ठीक कर लेते हैं। यही प्रतिरक्षक तंत्रों को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ किस तरह बनती है, आइए उस पर बात करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होता है, चाहे वो मुंह के थ्रू हो, कान के थ्रू, नाक के थ्रू, ब्लड के थ्रू, किसी भी तरह हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल उस वायरस को रीड करता है। रीड करने के बाद वह अपने साथ के प्रतिरक्षक तंत्रों की मदद से उस वायरस को लड़ने के लिए एक एंटीबॉडीज तैयार करता है। ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस से जाकर जुड़ जाती है और उसको ख़त्म कर देती है। अब हम बात करते हैं COVID-19 पर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, ये वायरस एक तो नया है, हमारी बॉडी इस वायरस से इंट्रोड्यूस तो है नहीं, तो इसकी एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडी में नहीं है। जब कोई व्यक्ति COVID-19 के संक्रमण में आता है, उसके बाद वह इस वायरस से रिकवर हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में COVID-19 से लड़ने की एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है। कई केसों में ऐसा हो रहा है, काफ़ी लोग ख़त्म भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनकी एंटीबॉडी इतनी पावरफुल नहीं है जितना कि उन पे वायरस का इफ़ेक्ट हो चुका है, इसलिए उनकी एंटीबॉडी वायरस को किल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब एंटीबॉडी कितनी पावरफुल है, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर पर, इसीलिए डॉक्टर होम आइसोलेशन किट में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ही मेडिसिन दे रहे हैं। उस मेडिसिन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसको देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने सारी दवाइयों की डिटेल में बात की है और उसके खाने का तरीका भी बताया है, उसको खा सकते हैं आप और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जब इम्यूनिटी पावर उनकी स्ट्रांग होगी, तब एंटीबॉडी स्ट्रांग बनेगी और वो वायरस को किल कर पाएगी। अब हम बात करते हैं COVID-19 वैक्सीन के बारे में। देखिए, भारत में इस समय दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक तो कोवैक्सीन है, दूसरी है कोवोशील्ड। अभी हाल ही में भारत ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक को भी भारत में इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता दे दी है, जल्दी वो वैक्सीन भी भारत में अवेलेबल होगी। तो हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तीन वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन, कोवोशील्ड और स्पुतनिक। बात करते हैं ये वैक्सीन बनती कैसे है। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है और वह रिकवर हो जाता है, इसका मतलब उसके बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी अवेलेबल है, तब उस व्यक्ति का हमारे साइंटिस्ट प्लाज्मा लेते हैं, प्लाज्मा को रीड करके उससे उस COVID-19 संक्रमण की एंटीबॉडीज़ को तलाश करते हैं। एंटीबॉडीज़ की मदद से ही ये वैक्सीन तैयार की जाती है। ये वैक्सीन जो तैयार की जाती है, इसमें COVID-19 संक्रमण इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में लगाई जाती है, तब हमारी बॉडी में इसका प्रभाव होता है, जिस प्रभाव को हमारी बॉडी की मेमोरी सेल रीड करती है। रीड करने के बाद वह अपने प्रतिरक्षक तंत्रों की मदद से, इम्यूनिटी पावर की मदद से एंटीबॉडीज उसकी तैयार करती है और उस वायरस को किल कर देती है। अब भविष्य में भी कभी भी हमारे ऊपर COVID-19 का संक्रमण होगा, तो मेमोरी सेल उसको रीड करके उसी एंटीबॉडी को बुला करके और उसको किल कर देगी। मतलब मेमोरी सेल उस एंटीबॉडी को तुरंत आदेश देगी और वह एंटीबॉडी उस वायरस को जाकर तुरंत किल कर देगी। तभी हमारी बॉडी में वैक्सीन लगने के बाद फीवर इसीलिए आता है, क्योंकि वह एक इनएक्टिव फॉर्म में ही वायरस है तो वायरस, लेकिन उसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत होता है,
इसीलिए बुखार आता है। और उसके बाद हमारी बॉडी में जब उसकी एंटीबॉडी बन जाती है, वायरस को किल कर देती है, उसके बाद हमारा फीवर ठीक हो जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी बन चुकी है। अब बात करते हैं ये कितने परसेंट तक प्रभावशाली है, इसको सरल भाषा समझते हैं। इंडिया की कोवैक्सीन 81.3% प्रभावशाली होने का दावा करती है, कोवोशील्ड 81% प्रभावी होने का दावा करती है, साथ ही साथ रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 91% प्रभावशाली होने का दावा करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन कोविड 19 संक्रमण के ऊपर इतने परसेंट ही रिसर्च कर पाए हैं, इतने परसेंट ही इसको जान पाए हैं, 91%, 81.3%, 81% इतना ही जान पाए। हमारी बॉडी में जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो मेमोरी सेल उसको इतने परसेंट ही रीड कर पाएगी और उसी हिसाब से उसकी एंटीबॉडी बनाएगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली होगी जो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमसे आपको कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।